वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट 2022 में उसके सिलेबस के बारे में, समझेंगे पेपर फर्स्ट में, ठीक है, क्या कुछ पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहां पे आने वाले हैं, ठीक है, और कैसे तैयारी करनी है, तो इसको जानेंगे। साथ ही साथ एक चैप्टर भी हम लोग जो है EBS का फोर्थ चैप्टर को करेंगे, ठीक, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल से चलिए जानते हैं। और जैसे जैसे हम लोगों की क्लासेस होंगी वैसे वैसे हम लोग वन बाय वन चैप्टर को देखते चलेंगे और उसको कवर करते चलेंगे, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट तो होगा ही होगा, है ना, वो तो बहुत ज़रूरी यहाँ हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करें CDP सब्जेक्ट की, तो उसमें 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछने जाएंगे, ठीक है। CDP में 15 क्वेश्चन जो है ए सेक्शन से पूछे जाएंगे। क्या कुछ है इसमें पढ़ना, चलिए एक नज़र देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि अनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस पढ़नी है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, उसके बारे में टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, साथी, उनके जो भी क्या भूमिका है ये सब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पियाजे, कोहलबर्ग एंड वायोवस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल परस्पेक्टिव्स, इन सब मनोवैज्ञानिक के बारे में यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि आपको समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित जो है की अवधारणा को भी यहाँ पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंसी, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी यानी कि बहुआयामी जो है सिद्धांत, बुद्धि के वो लैंग्वेज एंड थॉट, तो ये सब सारी चीज़ें आपको सेक्शन ए में जितनी भी है पढ़ने हैं और इनमें से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे क्लास करेंगे उसी दौरान हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सेक्शन ए से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। जैसे क्लासेस होंगी क्लियर वन बाय वन हम लोग कवर करते चलेंगे। सेक्शन बी में यहाँ हम लोग देखते हैं क्या कुछ है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। इसमें एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, ठीक है। सेकेंड में एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। तो इसका क्वेश्चन कितना आएगा, 5 यहाँ से पूछा जाएगा और बाकी ऊपर सेक्शन ए से जो है 15 क्वेश्चन, टोटल 20 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। और 10 जो क्वेश्चन आने वाले वो सेक्शन सी से आएंगे, लर्निंग एंड पैडागोजी, ठीक है, पैडागोजी सेक्शन में। और इसमें जो है हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्नर, कैसे बच्चे सीखते हैं, हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन फेस, क्यों असफल हो जाते हैं बच्चे टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस में, ठीक है, सफल नहीं हो पाते हैं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग का क्या जो बेसिक प्रोसेस है, चिल्ड्रंस के स्ट्रेटजी ऑफ द लर्निंग में अधिगम में क्या होना चाहिए, कैसे बच्चे सीख सकते हैं, सीखते हैं लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, ठीक है, सामाजिक जो है उसमें फिर उनका सीखना, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, तो ये सब इसमें आपको 10 क्वेश्चन जितने भी हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी चिल्ड्रन एक अपनी समस्या को सॉल्व करता है एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में, उनकी क्या अवधारणा है, तो ये सब यहाँ पे पूछे जाएंगे। कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, तो सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ टोटल 10 आने वाली है और उधर जो हो गया 20, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाली है CDP सेक्शन से, ठीक। नेक्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसमें टू टाइप्स के यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे लैंग्वेज में, ठीक है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो जो कैंडिडेट या स्टूडेंट जिनको इंटरेस्ट है जिन सब्जेक्ट लैंग्वेज में वो ले सकते हैं, लेकिन सिलेबस कॉमन है, सेम है दोनों का, चाहे आप हिंदी लीजिए पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट में या फिर इंग्लिश। तो इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन से रहेगा, उसमें 2 पैसेजेस रहेंगे, एक प्रोज का रहेगा या और दूसरा ड्रामा या फिर 1 पोएम विद क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो है पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा,
ठीक है, साथ में ग्रामेटिकल जो भी है वो सब तो पूछे ही जाते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन के आपके यहाँ होते हैं। और अगर सेक्शन बी का बात करें तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन ठीक है पढ़ने हैं, और प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज क्या सिद्धांत है लैंग्वेज टीचिंग के, ये रोल रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, तो ये सब यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं लैंग्वेज के फर्स्ट सेक्शन में। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ने होंगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज टू, तो याद रखिएगा इसमें भी वही प्रोसेस है, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आपको ऑप्शन दी जाती है, उसमें से एक लेना है जो आपको इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन इसमें भी वही है, सिलेबस सेम है। इसके क्वेश्चन आपको यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है, जिसमें 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस रहेंगे। साथ में उसमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं, साथ में ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, ये सब तो जो है कॉम्प्रिहेंशन में जो है मेंशन रहेंगे। बी सेक्शन की बात करें तो पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक, लर्निंग वही है जो फर्स्ट पेपर में, कुछ अलग है नहीं, आपको दिखा सकते हैं जैसे कि लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो इसमें भी वही है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टू, तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही है जो पेपर फर्स्ट में है, वो पेपर सेकंड में भी वही सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें भी 15 15 टोटल जो क्वेश्चन हो गए 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो कि एक मेजर सब्जेक्ट्स में से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के रूप में आता है, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। कंटेंट की अगर बात करें तो उसमें 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से सेप्शन सपाटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन डिवीजन मेजरमेंट, वेट टाइम वॉल्यूम, ठीक है, डाटा हैंडलिंग पैटर्न्स मनी, इन सब से आपको 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी होता है जो हो नहीं पाता है, पहले तो ऑफलाइन था तो फिर उसमें भी आपको टाइम मैनेज तो करना ही पड़ता था, लेकिन अभी ऑनलाइन आपको पता है ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पेडागोजिकली इशू में अगर देखें तो उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। ठीक, सेकेंड में प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कारिकुलम, उसके पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कम्युनिटी मैथमेटिक्स एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। ठीक है, तो ये सब आपको 15 या 20 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे और कंटेंट से 15 पूछे जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन इसमें भी आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ईवीएस, तो ईवीएस में जो है आपको यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट में क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे ये हम लोग एक बार देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो 30 क्वेश्चन यहाँ पे जो है ईवीएस सेक्शन से भी आपके रहने वाले हैं, 15 क्वेश्चन कंटेंट से आएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स ये थीम है, इसके सब थीम है रिलेशनशिप वर्क एंड प्ले एनिमल्स प्लांट्स, तो ये क्या है, सब थीम है। ठीक है, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम के अंदर आपको पढ़ने हैं इतनी सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, तो इसमें जो है फूड है, ठीक है, इसके बाद शेल्टर है, फिर वाटर ट्रैवल थिंग्स वी मैक एंड डू, तो इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसमें 15 क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। और अगर हम बात करें पेडा
लॉजिकल इश्यूज की, तो इसमें 15 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से रहने वाले हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईबीएस की पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है सिग्निफिकेंस सेकेंड में देखें तो ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क डिस्कशन, सीसी, सतत व्यापक मूल्यांकन जो है वो पढ़ने हैं, टीचिंग एमटी TLM के बारे में पढ़ना है, टीचिंग मटेरियल एड्स एंड प्रॉब्लम्स, क्या क्या EBS के पेडागॉजिकल इश्यूज है उसमें आपको ये सब मेंशन करी गई है। तो ये सब 15 क्वेश्चन आपको इन सब जो है पेडागोजी सेक्शन से पूछने वाले हैं, तो टोटल हो गया 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग की अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पे 150, यानी कि 5 का जो है सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट जो है वो 5 है, आपको पता है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाले हैं, तो कितना हो गया 150 टोटल क्वेश्चन आएगा, वो भी प्रत्येक का जो है मार्क अगर आप देखेंगे तो एक नंबर का है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। और अगर हम इसके टाइम की बात करें कि कितना समय जो है यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में जो है दिया जाएगा, तो 150 जो है मिनट आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको एक मिनट का टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट में प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ासकर मैथ में तो उसमें टाइम मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कुछ समय में, जैसे मैंने पहले अभी बताया कुछ देर पहले कि इसका सिलेबस जो है चेंज किया गया था, तो उसमें कुछ जो है मेथड रीजनिंग वाला मैथ में मोड में पूछ दिया गया था क्वेश्चन, तो इसलिए ये थोड़ा जो है रीजनिंग मोड में कुछ क्वेश्चन को देखा गया था, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो जाती है यहाँ। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हो गई बातें सी टेट की जो है सिलेबस की, और अब हमें पढ़ना है, तो हम लोग शुरुआत जो फर्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, वो हम लोग EBS के फोर्थ चैप्टर से करेंगे। ठीक है, EBS के फोर्थ चैप्टर से करते हुए 1 by 1 चैप्टर और सब्जेक्ट को करते चलेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली जो है सी टेट और जे टेट दोनों के लिए और अदर टेट सबके लिए जो है सब्जेक्ट्स लगभग वही रहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, तो ये सबके लिए जो है खासकर टीचिंग यानी कि टीचर एग्ज़ाम के लिए जो देते हैं कोई भी टेट, ठीक है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं EBS के फोर्थ चैप्टर से। ठीक है, और रहा जे टेट PT का सिलेबस, तो वो हम लोग आगे के दिन उसको देखेंगे और फिर वैसे ही चैप्टर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और अदर टेट में तो ये बेनिफिशियल होगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो वही रहते हैं, क्वेश्चन भी वही रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चांसेस होते नहीं अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है फोर्थ चैप्टर को देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा चैप्टर का भोजन, चैप्टर का नाम क्या है, भोजन।
इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है, बहुत सारी क्वेश्चन में क्या कुछ पूछे जाते हैं, किस मेथड से किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से उसको देखते हुए चलेंगे। मॉक टेस्ट साथ में कुछ कुछ जो है क्वेश्चन लेते चलेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ क्लियर हो सके, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, अगर बात करें भोजन क्या है, ठीक है। तो भोजन तो सबको पता ही होगा, भोजन वो पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि कार्य, शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है, ठीक है। जिससे हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। क्योंकि अगर भोजन और जल नहीं मिलेगा कोई भी जीवित जैविक प्राणियों को, तो क्या होगा फिर, पृथ्वी में जो है सजीव क्या कर पाएंगे, अपने जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। यानी कि इन ये आधार है, इनके बिना जीवन जो है यापन करना असंभव है, ठीक है। तो ये एक क्या है, बेस है, ठीक है। आगे चलते हैं, फूड प्रोडक्ट्स एंड इट्स सोर्सेस, खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत, ठीक है। मनुष्य एवं सभी जीव जंतु अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो सजीव कैटेगरी में आते हैं, जो खाद्य पदार्थ लेके अपने जीवन निर्वाह को सुचारू रूप से करते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग जिनको जो पसंद है वो खाते हैं, और फिर जो है उससे ऊर्जा मिलती है शरीर को, और फिर जीव अपना जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। उनको जीवन जीने में सहायता मिलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली की ऐसे ही लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, सीटेट जेटेट पीटी के, ठीक है, और जेटेट मेंस के भी, ठीक है। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से करिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी जेटेट पीटी और मेंस हो सकता है, और सीटेट भी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग लगे रहिए पढ़ाई पे, निरंतरण कीजिए, और यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि डेली के अपडेट जो भी है क्लास रिलेटेड आपको लाइव जो है वो तो पढ़ाई जाएंगी ही, साथ ही साथ इसके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसके लिंक को मैं टेलीग्राम का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से मेरे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और डेली के जो है क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से एक मनुष्य के प्रतिदिन के भोजन में गेहूं, चावल, दाल, घी, नमक, तेल आदि पदार्थ अवश्य शामिल होते हैं। गेहूं, चावल और दाल जैसे खाद्य पदार्थ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि बात करें दूध, अंडा, मुर्गा, तो ये मांस मछली जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद। तो खाद्य पदार्थ हमें दो तरह से मिलते हैं, ठीक है। पहले जो पौधों के द्वारा, और दूसरा जो जंतुओं के द्वारा होती है, ठीक है। यानी कि दो स्रोत हैं, दो सोर्स हैं इसके। पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन दो प्रकार का होता है, एक जो हमें सीधे पौधे से फल के रूप में प्राप्त होता है, और दूसरा उसके विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ एक नज़र देखते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाला भोजन कौन कौन सा है। तो बात करें पौधों का भाग प्राप्त खाद्य सामग्री, तो फल जो है यहाँ आम, केला, संतरा, वो हमें पौधों से मिलती है फल के रूप में। बीज के रूप में जो मिलती है वो गेहूँ, चावल, मक्का, ठीक है, जो हम बीज के रूप में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का खाद्य पदार्थ है ना। जड़, जड़ हो गया गाजर, चुकंदर, मूली, ठीक है, ये जड़ है। ये जो है गाजर, चुकंदर, मूली, ये जड़ के कैटेगरी में आते हैं, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और जो हम खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। पत्तियाँ की अगर बात करें तो उसमें उसके कैटेगरी में सरसों, पालक, मेथी इत्यादि जो है आते हैं। तना की अगर हम बात करें तो गन्ना, प्याज, आलू, हल्दी, ये क्या हुआ, तना के कैटेगरी में इसको रखा गया है, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रूट। रूट में, रूट जो है मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम आदि कुछ ऐसे सामान्य जड़ें हैं जिनका प्रयोग हम सामान्यतः दिन प्रतिदिन के भोजन में करते हैं, ठीक है। तो ये जड़ है, ठीक है, जिसको हम लोग भोज पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं,
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि जड़ में कौन से कैटेगरी में आता है, तने में क्या और कौन से कैटेगरी में चीज़ें आती है। तो इसको जैसे पढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अदरक जैसी जो जड़ों का प्रयोग हम मसालों के रूप में करते हैं, ये जड़ें भूमि के नीचे बढ़ती हैं तथा इन जो जड़ों में है पौधे द्वारा उत्पादित भोजन जो है संग्रहित किया जाता है। यानी कि ये जड़ें पौधे के नीचे रहती है और उसमें भोजन जो है वो क्या होता है, संग्रहित होता है, जिसको फिर हम लोग बाद में खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। तना की अगर हम बात करें, स्टेम, तो तना जो है कुछ पौधों के तने भूमि के अंदर पड़ते हैं, वे इनमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। कुछ तना जो है वो भूमि के अंदर रहते हैं, आप देखे होंगे जनरली पौधों में, और कुछ जो होता है भूमि के बाहर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कुछ तने जो भूमि के अंदर होते हैं उनमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। इनमें जैसे गांठ एवं पोरी होती है, आलू एक जो है रूपांतरित तना है, प्याज में उसका तना डिस्क की तरह आप देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है, गोल हो जाता है, और गन्ने में भी एक तना है जो शर्करा का प्रचुर स्रोत है। यानी कि प्याज जो है वो गोल डिस्क की तरह आकृति ले लेता है और वो मांसल जो है उसका रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, और बात करें गन्ना, तो गन्ना में भी जो रस होता है वो शर्करा का मात्रा होता है उसमें, प्रचुर मात्रा में शर्करा उसमें रहती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये मीठा लगता है, और ये भी तने के रूप में हम लोग जो है इसको, ये तने के रूप में मिलते हैं और हम लोग इसको खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। तो शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, याद रखिएगा शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शर्करा क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में है। ठीक है, और हम लोग को जितना जैसे कि पता है कि शर्करा से जो है चीनी को एक विधि होती है, प्रोसेस होती है, उसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं चीनी को। ठीक है, यानी कि गन्ना से चीनी बनता है, चीनी के क्रिस्टल सांद्रित गन्ने के रस द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है चीनी के क्रिस्टल जो है सांद्रित गन्ने के रस के द्वारा यानी प्राप्त किया जाता है, यानी कि गन्ने के रस से चीनी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको जो है यहाँ पे समझ लेना है आप लोगों को, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, और साथ ही साथ ये चैप्टर फूड का जो है थोड़ा लेंथी होने के कारण थोड़ा सा हम लोगों को कुछ दिन इसमें लग सकता है। ठीक है, तो जैसे पढ़ेंगे वैसे रिवीजन करते जाना है ताकि फिर वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक, और ये पढ़ाने के दौरान जो है कुछ हम लोग जीके के क्वेश्चन को भी करते चलेंगे, क्योंकि जनरली सी टेट और बात करें जे टेट पीटी में तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हम करेंगे, एक जे टेट के क्वेश्चन जो है जीके के, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे, साथ में सी टेट के जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी उसमें भी पूछे जाते हैं जीके पोर्शन से, तो उसको भी है जो है हम लोग कवर करेंगे। ठीक, करते चलेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं आज जो है जीके झारखंड का, तो जो जे टेट देने वाले हैं पीटी, तो उसमें पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और अदर जानकारी के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, और इसके बाद वन बाय वन डे जो है जैसे हम लोग जीके करेंगे, किसी दिन इंडिया का जीके करेंगे, तो ये हम लोग को नॉलेज के लिए ये बहुत अच्छा होगा, नॉलेज गेन के लिए, साथ में एग्ज़ाम में तो ये आपको हेल्पफुल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमिक पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार, जंगल का अधिकार जो है 1977 में लागू की गई थी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके जीवन पर आधारित है, तो बिरसा मुंडा के जीवन में ये आधारित है, याद रखिएगा बिरसा मुंडा। इसके बिरसा मुंडा का अगर हम बात करें कि बचपन का नाम, तो क्या था बिरसा मुंडा के बचपन का नाम, दाऊद नाम था। ठीक है, उसके बचपन का नाम दाऊद था बिरसा मुंडा का।
सेकंड, पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो प्रमुख जो होता है वो पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है। 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1914 में झारखंड में जो आंदोलन हुआ था वो टाना भगत प्रतिरोध क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये हो गई झारखंड जीके के कुछ क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग आगे की तरफ रुख करेंगे। तना के बाद कौन सा आना चाहिए फूड में, तो वो हम लोग आगे की तरफ आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पसंद आए वीडियो को तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक खास बात, अगर इसका नोट्स आपको चाहिए सी टेट जे टेट पीटी का, तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और नोट्स वहाँ अवेलेबल हैं आपको, हर क्लासेस जितने भी होंगे और हर सब्जेक्ट के, ठीक है। और बात करेंगे जे टेट पीटी के सिलेबस का, तो वो हम लोग कवर दूसरे दिन करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।